हेलो। हेलो हेलो सर, नमस्कार। मैं करण बोल रहा हूँ रिलायंस जियो से। सर, हाँ जी बताइए। हाँ ये आपने पोर्ट करवाने की इसी नंबर से रिक्वेस्ट डाली थी, क्या मैं जी जान सकता हूँ आपको क्या असुविधा हो रही है? सर, हाँ सर, इसी नंबर से डाली थी सर। असुविधा क्या, बस पोर्ट ही कराना है। नहीं सर, मैं जान सकता हूँ आपका मेन रीजन, ये नेटवर्क इशू है। नहीं सर, नेटवर्क इशू नहीं है। एक्चुअली क्या है, आप लोग हमारे नेटवर्क खराब करने के चक्कर में हो। सर कैसे, मतलब कैसे क्या सर, हम किसान के बेटे हैं, किसान के बच्चे हैं हम, और सरकार ने आपके समर्थन में 3 बिल लाई है, 3 कानून बना दिए हैं। अब सारे धान गेहूं हमारे आप खरीदोगे, ठीक है? तो अब नहीं जब सर, आपके सर पास धान गेहूं खरीदने के इतने पैसे हैं, तो आप जियो के हम लोगों का क्या करोगे सर? नहीं सर, क्या आपको यहाँ रिलायंस जियो से कोई तकलीफ हो रही है? हाँ सर, रिलायंस जियो से तकलीफ हो रही है। आपके अंबानी और अडानी साहब का बाइकॉट करना है, आपके रिलायंस का बाइकॉट करना है, क्योंकि सर आप लोगों की वजह से हमारे जो बुजुर्ग हैं वो दिक्कत में हैं, हमारे किसान साथी दिक्कत में हैं। तो इसलिए हमें मजबूरन आपके साथ ये करना पड़ रहा है कि आप लोगों की वजह से हमारे पेट पर लात पड़ रही है, हमारी रोजी रोटी पर लात पड़ रही है सर। अच्छा सर, बाकी और कोई बात नहीं है सर, नहीं यही सर, बात है पोर्ट करवाने की, कि आपको कोई नेटवर्क में असुविधा आ रही है? नहीं सर, नेटवर्क में क्या, हमारे ही नेटवर्क उड़ जाएंगे ना सर। जब आपके नेटवर्क सही हो जाएंगे, जब आप अडानी अम्बानी मिलकर सब सब कुछ खरीद लोगे, किसानों का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने लगोगे, तो सर हमारे तो नेटवर्क उड़ जाएंगे सर। फिर हम जियो के रिचार्ज भी कहाँ से करा पाएंगे सर? सर वो बात आपकी सही है, पर सर ये तो गवर्नमेंट की तरफ से लॉ है सर, इसका तो कोई रिलायंस लेना देना नहीं है ना। नहीं सर, रिलायंस से लेना देना नहीं है सर। कॉर्पोरेट में एंट्री तो आप ही लोगों की है ना सर, आप ही लोगों ने तो फाइनेंस किया है ना सरकार को तगड़ा करके, तभी तो ये सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है। आज मजबूरी है हमारी सर, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे खाना कहाँ से खाएंगे सर? हालात बहुत खराब है सर, 3 दिन से आप देख रहे हैं किस तरह से, जो आपका जो गवर्नमेंट ने प्रस्ताव भेजा था उसके बाद से लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। किसान कितनी बुरी तरीके से ठंड में तड़प रहे हैं सर। नहीं सर प्लीज सर, इससे पोर्ट का सर आप मत करवाइए सर, मैं आपको ऑफर भी दे दूंगा अरे सर अच्छे से, ऑफर, मैं आपको बता दूंगा ऑफर। अरे सर किसान के बच्चे को आप क्या ऑफर देंगे सर? क्या देंगे आप? 100-200 रुपए दे देंगे? 200-300 का रिचार्ज फ्री कर देंगे? 2-4 महीने फ्री कर देंगे? इससे ज्यादा कुछ कर देंगे क्या? लाखों हाँ रुपए तो हम सर, फिर प्रोटेस्ट पे ही खर्च कर रहे हैं सर। सर लाखों रुपए की खेती बर्बाद हो जाएगी हमारी सर, प्रोटेस्ट में बैठे हैं लोग। सर बाकी हमारी तरफ से कोई नेटवर्क में इशू आया आपको? सर नेटवर्क का क्या इशू, हमारे नेटवर्क उड़ा दिए ना आप लोगों ने। गवर्नमेंट आपके फेवर में काम कर रही है, तो हमारे तो नेटवर्क ऑटोमेटिक उड़ने हैं सर। आप देख नहीं रहे हो पिछले 3 महीने से पंजाब के अंदर किसान किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, पिछले 1 महीने से किस तरह दिल्ली की सड़कों पर पड़े हैं सर। पर सर ये हमारी तरफ से कुछ नहीं है सर, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है जो कि फॉलो कर रहे हैं सर। बाकी सर हमारे इधर से कोई आपको तकलीफ है तो उसमें मैं आपकी समस्या का हल ढूंढ सकता हूँ। सर जड़ तो, असल जड़ तो आपका जियो है ना सर। जब तक आपका बाइकॉट नहीं करेंगे सर, तब तक हमारा कैसे काम चलेगा? आपका बाइकॉट करना हमारी मजबूरी हो गया है सर। आप हमारे नेटवर्क उड़ाने के चक्कर में हो, तो हम आपके नेटवर्क उड़ाने के चक्कर में है सर। अब हम आपके नेटवर्क उड़ाएंगे और आप हमारे नेटवर्क उड़ाएं, यही हो सकता है सर। सर हम बस इतना ही कर सकते हैं कि हम असुविधा के लिए माफी मांग सकते हैं। बाकी सर सर आप माफी क्यों आपको मांग रहे हैं सर? अम्बानी साहब मांगेंगे अभी कुछ दिन बाद, आप मत मांगिए। आपकी माफी से हमें कुछ नहीं चाहिए सर, आपके अम्बानी साहब मांगेंगे कुछ दिन में माफी हमसे। सर मैं समझ सकता सर हूँ, देश का किसान है सर, अगर आपकी कंपनी को नंबर 1 बनाना जानता है, तो नंबर 0 पर भी लाना जानता है सर। जी सर। सर बाकी और कोई सहायता कर सकता हूँ मैं आपके लिए? सर बस सहायता यही करिए कि सर अगर आप जियो में, मतलब जियो का सिम यूज कर रहे हैं, तो उसका बाइकआउट कर दीजिए प्लीज। बस अगर आप बाइकॉट कर देंगे तो सर आप किसानों का समर्थन कर देंगे। बस इतना करिए कि बस आपसे भी यही हम अपील करेंगे कि आप भी बाइकॉट कर दीजिए जियो के सिम का, अगर जियो चला रहे हैं तो। एयरटेल आइडिया चला लीजिए सर, वोडाफोन चला लीजिए। जी सर, ये मैं आपका पोर्ट के लिए फिर हाँ कर सर देता हूँ मैं आपके लिए, प्रोसेस, बाकी जी 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 सर प्रोसेस फॉरवर्ड कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। बस आपसे भी अपील कर बाकी रहे हैं सर, सर और अगर आपसे हो सके तो आप किसी से बात करें तो उनसे भी कह दीजिए सर। जी सर बाकी सर हम अपनी तरफ से असुविधा के लिए माफी चाहेंगे आपसे। बाकी सर आपकी 2400 घंटे के अंदर कोर्ट की प्रोसेस चालू हो जाएगी, ठीक है सर?
बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेकिन बस यही अपील है कि सर अगर हो सके आपके अम्बानी साहब से संपर्क हो सके तो उनसे कहिए कि सरकार को समझाने की कोशिश करें, वरना ये आंदोलन बढ़ता चला जाएगा। सर वैसे रिक्वेस्ट तो और भी आती होंगी ना आपके पास पोर्ट की,